हाय एवरीवन अस्सलाम असलम वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप यू आल आर डूइंग ग्रेट सो गाइज आई एम बैक विथ अनदर वीडियो तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अफोर्डेबल मॉर्निंग स्किन का रूटीन फॉर बेगनर्स तो अगर आप लोग बेगनर हो टीन एजर हो न्यू स्किन का रूटीन स्टार्ट कर रहे हो तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आज की वीडियो मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ईजी पीजी सा मॉर्निंग स्किन का रूटीन शेयर करूंगी सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली डू सब्सक्राइब एंड वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है सो लेस गेट सो मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन के लिए सबसे पहला हमारा प्रोडक्ट है फेस वॉश स्किन को क्लीन करना सबसे पहले आप लोगों ने अपनी स्किन को क्लीन करना है फेस वॉश से हमारी स्किन क्लीन होती है हमारे पॉज क्लीन होते हैं जो भी स्किन पर डर्ट वगैरह होती है वो रिमूव हो जाती है हमारी स्किन की इलास्टिसिटी इम्प्रूव होती है फ्रेशनेस आती है हमारी स्किन पर सो so मॉर्निंग में सुबह सुबह सबसे पहले आप लोगों ने अपने फेस को वॉश करना है स्किन केयर रूटीन में ये फर्स्ट एंड मेन एलिमेंट है हमारी स्किन केयर रूटीन का सबसे पहले आप लोग ने अपनी स्किन को फेस वॉश करना है अच्छी तरीके से आप लोग ने फेस वॉश करना है आप लोग ये पोट्स का ब्राइट मेरेकल अल्टीमेट ऑयल कंट्रोल फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं ये ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है फेस वॉश करने से हमारी पोज क्लीन होते हैं जिससे एक्नी एंड ब्रेकआउट्स होने का रिस्क कम होता है स्किन क्लीन होती है डर्ट ऑयल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करता है फेस वॉश करने के बाद स्किन प्रोडक्ट्स को बेटर एब्जॉर्ब करता है स्किन में सो स्किन क्लीन रहती है एंड फ्रेश अपेयरेंस आती है स्किन पर सो so, हमारा फर्स्ट स्टेप ये है आप लोगों ने सबसे पहले अपनी स्किन केयर रूटीन में फ़ेस वॉश करना है अगर आप लोग ऑयली स्किन वाले हैं तो आप लोग ये वाला फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं नहीं तो आप लोगों की स्किन पर जो भी फेस वॉश सूट करता है आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं आप लोग सिंपल का क्रेव का फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट मॉइस्चराइज़र नेक्स्ट स्टेप इज मॉइस्चराइजर मॉइस्चराइजर हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्किन की हाइड्रेशन के लिए फ्रेशनेस के लिए एंड रिंकल्स फाइन लाइंस को रिमूव करता है मॉइस्चराइजर स्किन पर अगर आप लोग डेली अप्लाई करते हो तो आप लोगों की फाइन लाइंस एंड रिंकल्स कम करता है मॉइस्चराइज़र एंड आप लोगों की स्किन को बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेट करता है आप लोगों की स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है मॉइस्चराइजर मॉइस्चराइजर स्किन के लिए प्रोटेक्शन लेयर है एनवायरमेंटल इस्ट्रेस से बचाता है स्किन को एंड स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है एंड इम्प्रूवज स्किन इलास्टिसिटी एंड रिड्यूस फाइनलाइन एंड रिकल्स मॉइस्चराइजर अप्लाई करने से आप लोगों का यंग एंड फ्रेश लुक आता है आप लोगों की स्किन हाइड्रेटेड लगती है आप लोगों की स्किन पर ग्लो भी आता है सो डेली बेसिस पर मॉइस्चराइजर लाजमी अप्लाई किया करें ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड हमारी स्किन को मेनटेन रखता है नेक्स्ट एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ये तीनों स्टेप्स गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फेस वॉश मॉइस्चराइजर एंड सन ब्लॉक सो so ये डेली बेसिस पर आप लोगों ने अपनी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में एड करने आप लोग अगर बिगनेस हो तो आप लोग इस तरीके से मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन स्टार्ट कर सकते हो सन ब्लॉक या सनस्क्रीन हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है सन से सन की यूवी रेज से जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती हैं फेस वॉश एंड मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने सन ब्लॉक अप्लाई करना होता है अपनी स्किन पर अच्छी क्वांटिटी आप लोगों ने अप्लाई करनी होती है एंड हर टू आवर्स के बाद आप लोगों ने इसको री अप्लाई करना होता है सन ब्लॉक स्किन को प्री एजिंग से बचाता है एंड हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है सो so आप लोगों ने एवरीडे सन ब्लॉक को अपनी स्किन पर अप्लाई करना है अगर आप लोग घर में हो या फिर बाहर हो सन एक्सपोजर में जा रहे हो तो आप लोगों ने लाजमी सन ब्लॉक अप्लाई करके फिर जाना है क्योंकि इससे आप लोगों की स्किन टेंट भी नहीं होगी स्किन पर प्री एजिंग भी नहीं आएगी जो काफ़ी वुमेंस को प्री एजिंग आ जाती है वो इसी वजह से आती है क्योंकि वो सन ब्लॉक वगैरह अप्लाई नहीं करती अपने स्किन केयर नहीं करती इस वजह से आ, आ जाती है उनको सन एक्सपोजर में जाती है विदाउट सन ब्लॉक सन की यू रेज हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है सो so, आप लोगों ने इस तरीके से मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन फॉलो करनी है इससे आप लोगों की स्किन हाइड्रेटेड क्लीन फ्रेश एंड यंग रहेगी एंड आप लोगों को प्री मेच्योर एजिंग भी नहीं आएगी सो मॉर्निंग स्कूल का रूटीन आप लोग इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं अगर आप लोग बिगनर्स हो टीनेजर्स हो सो या गाइज डे टू वज इट आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी काइंडली डू सब्सक्राइब आई विल सी माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय